एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर वियर हॉल, और ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी विंटर वियर्स के लिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अफोर्डेबल प्राइस में, वो भी यूनिक कलेक्शन एंड सभी पैटर्न में। एंड ये सब मैंने परचेस किए हैं मीशो से, हाँ कुछ परचेस किए हैं मिंत्रा से, परचेस किए थे दिवाली वाले टाइम जब सेल चल रही थी मिंत्रा पे, तब मैंने परचेस किए थे। तो हो सकता है अभी प्राइस थोड़ी फ्लक्चुएट हो, मिंत्रा पे बहुत ही जल्दी प्राइस चेंज हो जाती है। तो मैं ट्राई करूंगी जो मैंने प्राइस में सेल प्राइस में परचेस किए वो आपके यहाँ देने का स्क्रीनशॉट। एंड जो मीशो से मैंने परचेस किए हैं, तो मीशो जिन्हें नहीं पता है, मीशो इंडिया का बहुत ही बड़ा नंबर वन प्लेटफॉर्म है रीसेलिंग का। यहाँ से आप खुद के लिए परचेसिंग कर सकते हैं, घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं, कोड्स होते हैं, सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से उन्हें परचेस कर सकते हैं। मिंत्रा के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड ये बहुत ही ह्यूज हॉल होने वाला है। मैं नाइन आपके साथ शेयर करूंगी। स्वेटशर्ट है जिसमें आपको और क्रॉप स्वेटशर्ट मिल जाएंगे, शर्ट्स मिल जाएंगे, तो आई होप आपको चॉइस भी अच्छी लगेगी। एंड मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप जाके पार्टिसिपेट कीजिए, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मीशो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे हुए दिए हुए लिंक से, जिससे आपको 100 रुपीज या फिर फ्लैट 20% ऑफ मिले आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। तो आपको मीशो मेरे दिए हुए लिंक से डाउनलोड करना है। फर्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत क्यूट सा प्रिंट है। इस पर मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ क्योंकि 9 स्वेटशर्ट है एंड बहुत ही बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो इस तरीके का आपको ये वाला बहुत ही क्यूट सा स्वेटशर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको इस पर रैबिट वाला डिजाइन मिल जाएगा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये वाला थोड़ा सच में बहुत पसंद आया, डिजाइन बहुत पसंद आया ना, बहुत ही क्यूट है। एंड फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, कॉटन ब्लेंड फैब्रिक इसमें दिया हुआ है मीशो पे, हाँ। तो पर फैब्रिक सच में है ना बहुत अच्छा है, विंटर्स के अकॉर्डिंग अच्छा है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा। और फुल स्लीव्स मिल जाएगी ऑब्वियसली, इसमें कलर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, राउंड नेक है, बैक साइड इसका आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा। एंड ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, डेली में कॉलेज में बहुत सारे स्वेटशर्ट वगैरह चाहिए होते हैं, उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है एल साइज, मैंने सभी में मेरे एम साइज आते हैं, लेकिन मतलब मुझे एम साइज कई चीज़ों में मिले नहीं थे कई स्वेट शर्ट में, तो मैंने उसमें एल साइज परचेज कर लिया और एल भी मेरे सही आ रहा है। तो मैं आपको एक बार ना साइड में क्लिप ऐड करके बता दूंगी कैसा लग रहा है एल साइज। मैंने वैसे भी स्वेट शर्ट वगैरह में कोई चीज़ परचेज करो तो एक साइज बड़ा परचेज कर लो, बिकॉज विंटर्स में हो सकता है इसके नीचे भी कुछ इनर वगैरह पहनना पड़े, तो इसलिए एक साइज बड़ा परचेज करना। और कुछ इस तरीके का ये वाला स्वेट शर्ट मिलेगा, बहुत ही सुंदर सा स्वेट शर्ट है, डेफिनेटली ट्राई करना इसे, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। एंड अब जो इसका सेकंड वाला, ये दोनों मैंने सेम सेलर से परचेस किए हैं, इसमें ना डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट थे, और ये वाला भी बहुत ही सुंदर है, तो ये वाले दोनों मुझे पसंद आए थे इसके। तो ये पूरा आपको फ्लावर प्रिंट में मिल जाएगा, वो ही सेम फैब्रिक है कॉटन ब्लेंड का, एंड राउंड नेक मिल जाएगी। इसमें भी एल साइज ही परचेस किया है, लेकिन आप इसके फ्लावर्स देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कितना कलरफुल है ये वाला। स्लीव्स पे भी आपको सेम फ्लावर वाला डिज़ाइन मिल जाएगा। एंड इस तरीके के स्वेटशर्ट बहुत ही यूनिक लगते हैं एंड कंफर्टेबल भी रहते हैं, और आप इन्हें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में भी ट्राई कर सकते हो, जैसे आप इन्हें ट्राई कर सकते हो स्टॉल वगैरह के साथ, तो उस अकॉर्डिंग में अच्छे लगते हैं, स्क्राफ वगैरह के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। तो इस तरीके का पूरा प्लेन स्वेटशर्ट मिलेगा पीछे, और इसमें मैंने एल साइज ट्राई किया है। अब जो थर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यह है एक शॉर्ट पार्टी वियर ब्लेजर, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा, इस तरीके का मिल जाएगा। एंड ये ओपन है पूरा, यहाँ पे बस इन्होंने शो के लिए बटन लगाया हुआ है। एंड ये बो वाला डिज़ाइन ना मुझे बहुत क्यूट लग रहा है, बाकी पूरा सिंपल है, पॉली ब्लेंड फैब्रिक है, बैक साइड आपको कुछ इस तरीके की मिल जाएगी, यहाँ पे इन्होंने नीचे की साइड बो लगाई हुई है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब कैजुअल नहीं बोल सकते, मतलब अगर पार्टी वगैरह में भी आप जाते हो, बाहर जाते हो, उस अकॉर्डिंग पहनने में, शादी वगैरह के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है पहनने पे, कुछ विंटर वियर ट्राई करना चाहते हो। एंड इसमें स्लीव्स आपको फुल मिल जाएगी, इसमें भी मैंने एल साइज परचेस किया है, इसमें आपको सब साइज मिल जाएंगे मीशो पे, एक्सेल डबल एक्सेल तक आप अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हैं। मैंने परचेस किया है मीशो से, ये है श्रग, एंड बहुत ब्यूटीफुल श्रग है, मैं काफ़ी टाइम से परचेस करना चाहती थी लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था, लेकिन अब जब मिल गया है तो लग रहा है कॉस्टली तो नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मेरे बाल कितने अजीब से हो रहे हैं आज, अच्छा यार,
तो इस तरीके का आपको ये वाला श्रग मिल जाएगा। ये पूरा है ना नेट का श्रग है, और यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी, इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। नीचे की साइड भी आपको सेम एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। ये एक लॉन्ग श्रग है, मैं इमेज लगा दूंगी साइड में, सॉरी क्लिप लगा दूंगी। तो आप इसे है ना विंटर्स में भी ट्राई कर सकते हो, समर्स दोनों के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। एंड बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ही मतलब इसका ना फैब्रिक ऐसा शीट टाइप का फैब्रिक है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का फैब्रिक है। तो अगर आप विंटर्स में ट्राई कर रहे हो तो आप इसमें किसी भी इनर के साथ आप इसे कैरी कर सकते हो, स्कार्फ वगैरह के साथ काफी अच्छा लुक आएगा। एंड दोनों सीजन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, विंटर समर्स, तो इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा। कलर्स इसमें आपको एक दो और मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देखे परचेज कर लेना। लॉन्ग श्रग है और यहाँ पे इस तरीके की जाल वाली एम्ब्रॉयडरी दी गई है, रोज बनाए हुए हैं एम्ब्रॉयडरी से, बेसिकली रोज है नीचे, और नीचे की साइड भी सेम आपको इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है एक सेकेंड मीडियम साइज, इसमें आपको एक्सल डबल एक्सल तक का साइज मिल जाएगा मीशो पे, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट स्वेटशर्ट क्या लॉन स्वेटर है, तो ये मैंने परचेज किया है मिंत्रा से। ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लगा एंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फ्रॉम ब्रांड ड्रेसबेरी। ड्रेसबेरी के मैंने ट्राई किए हुए हैं, पहले टॉप स्वेटशर्ट ट्राई नहीं किए, टॉप्स ट्राई किए थे, अच्छे आते हैं। तो ये बहुत ही लॉन्ग सा स्वेटर है, तो मुझे ना इस तरीके के बिल्कुल लूज लूज एंड लॉन्ग स्वेटर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट सा लुक आता है ना, और थोड़ा है ना लूज भी होता है तो डिफरेंट लगता है। तो इस तरीके का एक पॉम पॉम वाला लॉन्ग लाइन स्वेटर मिलेगा और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है। और बिल्कुल है ना पॉम पॉम लगवाए हुए हैं इस पे, और फैब्रिक की अगर मैं बात करती हूँ, एक्रेलिक फैब्रिक है इसका, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। एंड आप कलर देख सकते हो, लाइट पिंक कलर के शेड में है, बेबी पिंक कलर वाले शेड में है थोड़ा, और यहाँ पे पॉम पॉम लगवाए हुए हैं ब्लैक कलर से। पूरा आपको ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग मिल जाएगा, पूरी स्लीव्स है, हाई नेक है इसमें, इस तरीके की हाई नेक मिल जाएगी। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें भी मैंने जो साइज परचेज किया है वो है, पहले से ये काफ़ी लूज आता है क्योंकि एम साइज परचेज, मतलब इसमें अगर आप साइज परचेज करो ना तो अपने साइज से छोटा साइज परचेज करना, क्योंकि ये स्वेटर ऑलरेडी काफ़ी लूज आता है पहले, तो मैंने इसमें अपने साइज से मैंने स्मॉल साइज परचेज किया है इसमें, क्योंकि एम साइज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए स्मॉल साइज परचेज किया है मैंने। और क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मैं आपको स्वेटशर्ट बता रही हूँ, ये है ब्रांड फ्रॉम ब्रांड मस्ट एंड हर्बर ब्रांड से है। एंड तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिन्हें स्ट्रिप वाले स्वेटशर्ट पसंद होता है, लाइनिंग वाला पैटर्न पसंद होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो लाइनिंग वाला पैटर्न के साथ साथ है ना ये कुछ डिफरेंट भी है, क्योंकि इसमें है ना आपको नीचे की साइड से ना वेस्ट वाली साइड से कट मिल जाएगा साइड कट, इसलिए बहुत अच्छा लगा। एंड लॉन्ग भी है, और मुझे सच बताओ शॉर्ट से ज़्यादा मुझे लॉन्ग पसंद है, स्वेटशर्ट में हो या फिर मतलब स्वेटर ले लो, थोड़ा मुझे कंफर्टेबल सा भी फील होता है, तो अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे लॉन्ग वाले ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके का ये वाला स्वेटशर्ट मिलेगा, कैप पीछे दी हुई है इन्होंने, ये आपको फ्रंट में ये वाला डिज़ाइन मिल जाएगा, कुछ इस तरीके का इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है फ्रंट में नेक वाले पार्ट में। और स्लीव्स आपको वो ही, इसके ना स्लीव्स थोड़ी सी लॉन्ग दी हुई है इन्होंने, तो लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएगी। और फैब्रिक इसकी हम फैब्रिक की बात करते हैं तो कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स फैब्रिक है, डिज़ाइन बहुत ही अच्छा है। एक मिनट, इसमें आपको कलर है ना ब्लैक दिख रहा है, पर ये नेवी ब्लू कलर है, जो ये लाइनिंग है ना नेवी ब्लू कलर से है। और इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम। जो नेक्स्ट स्वेटशर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल है, क्यूट है, और ये है फ्रॉम ब्रांड कुक एंड किस से। और कुक एंड किस के मैंने एक दो है ना टॉप्स और टी शर्ट ट्राई की थी, बहुत क्यूट आती है। मेरे पास एक वाइट टी शर्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी निकली है, एक दो साल हो गए उसको लेकिन बहुत अच्छी है। तो इसके जो है ना इस ब्रांड के जो कपड़े आते हैं बहुत ही क्यूट क्यूट आते हैं, डिज्नी वाले आते हैं, तो इस तरीके का आपको मिक्की माउस मिल जाएगा। बहुत ही कलरफुल सा स्वेटशर्ट है, आप कुछ कलरफुल ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। बॉटम आप इसमें बिल्कुल लाइट पहनना, क्योंकि ये वाला जो स्वेटशर्ट है वो बहुत ही अच्छे से उभर के आएगा। तो ये कुछ इस तरीके का स्वेटशर्ट है, यहाँ पे इसमें मिक्की माउस बनाया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है पूरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। एंड ये आपको रेड ब्लैक ब्लू और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, चार कलर के कॉम्बिनेशन में आपको स्वेटशर्ट मिलने वाला है। इसमें भी मैंने एम साइज परचेज किया है, बैक साइड आपको पूरा रेड मिल जाएगा प्लेन,
लेंथ काफी अच्छी है, फैब्रिक कॉटन और पॉलिस्टर मिक्स फैब्रिक है बहुत, और डेफिनेटली आप इस स्वेटशर्ट को ट्राई कर सकते हो अगर आप कुछ क्यूट सा परचेज करना चाहते हो। मैंने जितने भी ट्राई किए ना, आप दिखाए हैं ना आपको इस वीडियो में, सभी बहुत ही डिफरेंट है, फैब्रिक सभी के बहुत अच्छे हैं, आप परचेज कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट वाला स्वेटशर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी कुक एंड कीस से ही है। हाँ, दो परचेज किए थे मैंने कुक एंड कीस से, तो ये वाला ब्लैक कलर परचेज किया है। मुझे ब्लैक कलर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा वो सिंपल में ब्लैक कलर ट्राई करती हूँ, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए कोई और कलर, तो ये वाला ब्लैक कलर मैंने परचेज किया है। यहाँ पे इस पे इसमें प्रिंट किया हुआ है गोल्डन वाला लव, देखो इतना बड़ा बड़ा सा इस पे प्रिंट किया हुआ है। इसमें शायद एक दो पैटर्न और हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगा था। राउंड नेक है, फुल स्लीव्स है, फैब्रिक वो ही कॉटन और पॉलिस्टर फैब्रिक मिक्स है, ब्रांड है कुक एंड कीच, तो इस तरीके का ये वाला स्वेटशर्ट मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, क्यूट सा है, एंड ये डेनिम वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा, और पार्टी वियर भी है। डेफिनेटली आप इसे किसी भी मतलब पार्टी वगैरह में कैरी कर सकते हो, बहुत यूनिक सा है ना, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो इस पर प्रिंट किया हुआ है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ये वाला स्वेटशर्ट भी बहुत अच्छा लगा। तो जो लास्ट स्वेटशर्ट में परचेज किया है ये है फ्रॉम ब्रांड कुक एंड कीच, मुझे पता ही नहीं था, मैंने तीन परचेज किए थे ब्रांड कुक एंड कीच से, अभी देखा मैंने, ये बहुत ही क्यूट सा है, येलो कलर का है। मेरे पास ना येलो कलर का एक और है स्वेटशर्ट, वो मैंने शीन से परचेज किया था, पर ये कुछ मुझे डिफरेंट लग रहा था, वो उसमें है ना कैट बनी हुई है, लेकिन ये वाला बहुत ही सुंदर सा है, इस तरीके का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये मिक्की माउस ही है, मिक्की माउस मिल जाएगा, यहाँ पे इन्होंने प्रिंट किया हुआ है इस तरीके का, बहुत ही क्यूट सा प्रिंट है ना, बहुत अच्छा लगा। स्लीव्स इसमें आपको थ्री कलर्स में स्लीव्स मिल जाएंगी, एंड कैप पीछे दिया हुआ है। क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, पूरा कॉटन ब्लेंड का है, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। विंटर वियर के अकॉर्डिंग सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, और पैटर्न सभी के बहुत डिफरेंट है, मैंने ट्राई किया डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आपके साथ शेयर करने का, तो इस तरीके का मिल जाएगा। इसमें भी मैंने एम साइज परचेज किया है, इसमें भी आपको एक्सेल डबल एक्सेल तक का साइज मिंत्रा पे मिल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज कर सकते हैं, एंड सभी की प्राइस आपको स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी, आपको वहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके का ये वाला बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही क्यूट सा स्वेटशर्ट मिलेगा। तो गाइज आई होप आपको आज का ये कलेक्शन पसंद आया होगा। अब काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि वेडिंग के अकॉर्डिंग कलेक्शन शेयर कीजिए, साड़ी लहंगे, तो आगे आपको पूरा यही वाला कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं हो, क्योंकि आगे काफ़ी सारा आपको वेडिंग ही वेडिंग कलेक्शन मिलने वाला है। एंड और कोई मीशो से देखना चाहते हैं कोई भी ड्रेस वगैरह कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं कोड, मैं डेफिनेटली अगर मुझे पसंद आया मैं ट्राई करूंगी आपके साथ शेयर करने का। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।